गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल यू आर फाइन। एंड टुडे वी कंटिन्यू आवर टॉपिक चैप्टर चैलेंजेस इन नेशन बिल्डिंग। सो देर आर सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, सो वी डिस्कस क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। व्हाई डिड मुस्लिम लीग प्रपोज टू नेशन थ्योरी? बेटा MCQ मोस्टली क्वेश्चन आपके जो है वो आपके MCQ बेस्ड होंगे, तो आप इनको ध्यान से, इट मीन्स कि आप चैप्टर जो है अगेन रीड करिए। जिन्ना प्रपोज टू नेशन थ्योरी विद व्यूज टू क्रिएट हिंदुस्तान फॉर हिंदूज एंड पाकिस्तान फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, इट मीन्स टू नेशन थ्योरी उसने जो मेन जो यहाँ पर कम्युनिटी थी हिंदू मुस्लिम उनके लिए किया, ये है ना। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड मुस्लिम प्रपोज द टू नेशन थ्योरी एंड जिन्ना प्रपोजल टू, किसी भी तरह से ये आपसे पूछा जा सकता है। विच प्रॉब्लम अरोज विद पार्टीशन? क्या प्रॉब्लम्स आ गई ये मैंने आपको बड़ा डिटेल में समझा रखा है। पार्टीशन लेड द अटैक ऑफ माइनॉरिटी ऑन बोथ साइड और ऑफ द बॉर्डर। तो बेटा मतलब है तो ये बहुत बड़ा, एक पूरा पैराग्राफ इस पर हम लिख सकते हैं, बट इसमें जो मेन वो क्या था कि प्रॉब्लम क्रिएट हो गई दोनों साइड पे, दोनों बॉर्डर के ऊपर, किसके ऊपर? माइनॉरिटीज़ के ऊपर, जैसे कि जो इंडिया में था वो मुस्लिम्स के ऊपर इंडिया बॉर्डर पर, और जो पाकिस्तान में हिंदू और सिख के ऊपर। ठीक है, तो ये है प्रॉब्लम हो गई। वाई वॉज मुस्लिम लीग फॉर्म्ड? अब बताओ मुस्लिम लीग बनी क्यों? शुरू में तो आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, जब पहला है ना जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज्ड एक मूवमेंट जो फ्रीडम के लिए किया वो कौन सा था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो उसमें आपको याद होगा कि मोहम्मद अली एंड शौकत अली जो क्या थे, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ गांधी जी के अम्ब्रेला के नीचे आकर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। फिर आप देखोगे कि जो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक जाते जाते आपको 10th क्लास में अगर लर्न हो कि किस तरह से क्या हो गया था, जो ब्रिटिशर थे उनने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अडॉप्ट की थी, और माइनॉरिटी क्योंकि वो थे उनके मन में एक उन्होंने डर पैदा कर दिया था कि अगर आपको फ्रीडम मिल भी गई तो आपका आप यहाँ पर सिक्योर नहीं हो, क्योंकि हिंदू आपकी कल्चर सिक्योर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू डोमिनेटिंग एरियाज होंगे ये। ठीक है, मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ मुस्लिम इन कॉलोनियल इंडिया। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया। वॉट वर फियर्ड आफ्टर द प्रिंसली स्टेट वर डिक्लेयर इंडिपेंडेंट? आफ्टर द प्रिंसली स्टेट वर डिक्लेयर इंडिपेंडेंस इट वॉज फियर्ड दैट इंडिया वुड बी डिवाइड इन अ स्मॉल कंट्रीज। अब क्या था, जब अगर प्रिंसली स्टेट जो है वो सारी इंडिपेंडेंस हो जाती तो इंडिया का जो एक लार्ज नेशन है, इंडिया इस टाइम कितनी कौन सी पोजिशन पे है, 7th पे है एरिया वाइज, तो वो इंडिया एक बड़ा कंट्री ना रहकर क्या हो जाता, छोटा कंट्री बन जाता। व्हाट वाज द बेसिस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट? तो इसमें है स्टेट, देखो आपको याद है जब ये चैप्टर मैंने आपको बताया था कि उसमें किस तरह से रीऑर्गेनाइजेशन है ना, स्टेट को पहले तो उन्हें ऑर्गेनाइज करना और फिर उन्हें रीऑर्गेनाइज करना। तो ये 568 प्रिंसली स्टेट थी, उनको किस तरह से पहले उनको एक करना और फिर उनको डिफरेंट स्टेट्स में वो करना, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। फिर इसके लिए क्या किया इंडिया में 1952 में, किस पहले तो लैंग्वेज के बेस पे हम लोगों ने डिवाइड करना शुरू करा, फिर देखा कि उससे भी हमारी कंट्री की यूनिटी को ना कोई प्रॉब्लम्स हो सकती थी, इसलिए फिर एक क्या बनाया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया, और उसने जो बाउंड्रीज थी वो डिसाइड की, और ये क्या हुई, ये भी आगे जाकर लैंग्वेज के बेस पर ही बनी। ठीक है, the leader of newly independent India did not see policies as a problem, they saw it is a way to solving problem. How far you agree with this statement? देखो जो
नए इंडिपेंडेंट इंडिया के लीडर थे वो क्या थे, पॉलिसीज को क्या प्रॉब्लम नहीं मानते थे, बल्कि वो मानते थे कि इससे प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगी, है ना। यस आई एग्री विद द स्टेटमेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द लीडर नेशनल मूवमेंट ज्वाइन पॉलिटिक्स एंड ट्राई टू बी द पावर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल। तो बेटा उस टाइम जो लीडर्स थे वो कौन थे, वो मोस्टली फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया। तो वो क्या चाहते थे, वो अपने प्रॉब्लम्स को, वो अपना जब कंट्री बन गया, हम इंडिपेंडेंट हो गए, तो वो चाहते थे कि इन प्रॉब्लम्स को क्या कहते हैं शॉर्ट आउट किया जाए। वॉज द लैंग्वेज, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वॉज द लैंग्वेज ओनली बेसिस ऑन द रिकॉग्नाइजिंग स्टेट, क्या लैंग्वेज के बेस पर ही हमें वो बनाना चाहिए था। नो लैंग्वेज वॉज नॉट द ओनली बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट, रीजनल कल्चरल इम्बेलेंस वर द बेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड तेलंगाना। ठीक है, लैंग्वेज सिर्फ ये नहीं थी, इसका क्या था कल्चरल रीजनल इम्पोर्टेंस, ये सब बातें भी ध्यान में रखी गई थी। नेक्स्ट है व्हाट वर द क्रिटिसिज्म अंडर विच इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज बॉर्न। ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंट, बट एट द सेम टाइम इज ऑल्सो हैड अ फेस पार्टीशन विद द डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन, माइनॉरिटी वर्बलेंसी अटैक बोथ कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान, वुमेन्स वर मोलेस्ट्रेटेड एंड रेप्ड, पीपल हैड लीव देयर होम, 1947 वॉज टेरिक वायलेंस। बेटा इंडिया की इंडिपेंडेंस जो मिली पर उस पर एक दाग भी है कि वो जो पार्टीशन हुआ उस ऐसा इतना टेरेबल जो है पार्टीशन किसी भी कंट्री के अनप्लान था बेटा। इसमें माइनॉरिटीज दोनों साइड पर मारी गई, वुमेन्स के संग वुमेन्स का शोषण हुआ, रेप हुए उनके संग, और लाखों लोग घर से बेघर हो गए। तो ये एक क्रिटिसाइज है, क्रिटिसिज्म है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें बेटा, एक्सप्लेन द थ्री कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1947। तो ये तीन कौन कौन से हैं, तीन बताइए। एक तो है माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस द बॉर्डर, तो ये आपको पता ही है कि किस तरह से जो इधर से मुस्लिम गए और उधर से हिंदू एंड सिख आए, तो ये माइग्रेशन हुआ। देखो अब इसको समझ के, इन 1947 आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन वर फेस टू माइग्रेट अक्रॉस द बॉर्डर, दिस माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन वॉज ट्रेजिक एंड अनऑर्गेनाइज, पीपल स्टार्टेड किलिंग ईच अदर इन अ नेम ऑफ रिलीजन, रिलीजन वर हिंदू सिख वर डोमिनेंट, मुस्लिम स्टॉप गोइंग देयर एंड सेम वर द मुस्लिम्स वर डोमिनेंट, हिंदू एंड सिख स्टॉप गोइंग देयर, दे वर मेड अलायंस इन देयर ओन लैंड एंड पुलिस एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रीटेड दैम अनकाइंडली, पार्टीशन वॉज जस्ट नॉट डिवीजन असेट्स ऑफ लिबरिटीज बट डिवीजन ऑफ कम्युनिटीज हु लिव नेबरहुड वर मेड विक्टिम वायलेंस ईच अदर। ठीक है, ये सिर्फ लैंड का पार्टीशन नहीं हुआ, ये सब ये खाली प्रॉपर्टीज़ का पार्टीशन नहीं हुआ, इसमें क्या हुआ, जो पड़ोसी एक दूसरे के साथ सदियों से एक साथ रह रहे थे वो कम्युनिटीज़ का भी पार्टिसिपेशन पार्टीशन हो गया। और नंबर टू बेटा, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, इट मीन्स पुलिस फोर्स, वो भी सब क्या कर रहे थे, पाकिस्तान में वो मुस्लिम्स का साथ दे रहे थे और इधर जो है वो हिंदू एंड सिख, तो दोनों तरफ से क्या हो रहा था कि एक ऑर्गेनाइज दंगा जो है वहाँ पर हो गया। रिफ्यूजी रिहेबिलिटेशन नंबर दूसरा था कि बोथ साइड पर
जो रेफ्यूजी थे, यहाँ से जो मुस्लिम गए थे और वहाँ से जो हिंदू और सिख आए थे, तो उनके जो दोबारा से उनको बसाने की जो प्रॉब्लम थी, द पार्टीशन ऑफ इंडिया इंटू टू नेशन लेट द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज इन 1947, डेली थाउजेंड ऑफ रेफ्यूजी माइग्रेंट टू न्यू डेली थ्रू रेल, दे लेफ्ट देयर होम बैक टू पाकिस्तान इन द वेक ऑफ कम्युनल वायलेंस. The violence against the Hindus and Pakistan provoked the violence against Muslim in India. Refugees had left their property home and Pakistan, hence the serious name regarded the after independence. Nation was battling with the backwardness due to the facing difficulties of rehabilitation in the middle class and educated class. Perhaps the political leadership never in their widened imagination through the migration of population would become such a serious issue. The state provide them major assistance and rehabilitation, which include many Punjabi educated class in the western part of border refugee camp and established labor. It was the problem of refugee rehabilitation and both sides the border were the Eclipse joy the independent. ठीक है, एक तो आपको बताया कि माइग्रेशन की हो गई, दूसरा हो गया रेफ्यूजियों को बसाने की, तीसरा था कम्युनल राइट. ड्यूरिंग द पार्टीशन क्रिटिक्स लाइक सिटीज लाइक लाहौर, अमृतसर, कोलकाता है ना, एंड ट्रांसफॉर्म इन टू अ वर्सलिंग अरीना. ठीक है, देखो एक तो पाकिस्तान बना था वेस्टर्न साइड पर, एक था ईस्टर्न साइड पर. तो ये तो आपके लाहौर हो गया जो पाकिस्तान में है, अमृतसर बॉर्डर स्टेट है हमारी, तो यहाँ पर दोनों साइड पर दंगे हो रहे थे. कलकत्ता जो है बांग्लादेश है ना, उधर ईस्टर्न वाले में हिंदू सपोर्ट गोइंग मुस्लिम डोमिनेंट एरिया एंड मुस्लिम स्टॉप्ड गोइंग इन अ एरिया डोमिनेंट हिंदू. पता जो हम लोग इतने मतलब सालों से रह रहे थे साथ, उन्होंने एक दूसरे के वो दुश्मन बन गए, एक दूसरे के एरियाज में जाना बंद कर दिया. माइनॉरिटी वर फोर्स टू लीव देयर होम सेव देयर लाइफ. अच्छा, जो यहाँ पर जो मुस्लिम माइनॉरिटी में थे और पाकिस्तान के अंदर हिंदू और सिख माइनॉरिटी में थे, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों को छोड़ना पड़ा. कम्युनल राइट्स इन्फ्लिक्ट डीप इंजरीज इन द पीपल. उन्होंने पार्टीशन ने दोनों के बीच में क्या करा है कि बहुत ज़्यादा जो है घाव छोड़कर गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीज़न बीइंग यूज्ड बाय नेहरू फॉर कीपिंग इंडिया सेकुलर. डू यू थिंक द रीज़न वर ओनली एथियल एंड द सेंटिमेंटल और इट वाज अ अनदर रीज़न. नेहरू वांट इंडिया टू बी अ सेक्युलर स्टेट बिकॉज नॉट अ हिंदू स्टेट. ही वॉन्टेड एवरी रीज़न वीज बी ट्रीटेड इक्वली. ही realize the partition has diversifying impact of Hindu and Muslim unity, therefore the place many argued convinced people arrested the India and the secular state, since the emotional in India has time to time people were different religion and culture and visited and various objective for India always welcomed them and the arm of the good and the culture. If were not expect the character of India when might be lost soul of India. India में बेटा हर जो कल्चर है वो आकर इन्वॉल्व हो जाती है और हम उसको अगर उसकी कोई अच्छी बातें हैं हर कल्चर की, जैसे बुद्धिज़्म है ना, जैनिज़्म है, तो हम उस चीज़ को अडोप्ट करते हैं. जो जो भी यहाँ पर आया हमने उनकी अच्छी बातों को अडोप्ट किया. तो नेहरू चाहते थे कि इंडिया जो है वो उसमें सभी धर्म की मानने की प्रैक्टिस मान हो और सभी, जिससे अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी जो डाइवर्स कल्चर है उसकी जो वो सोल है वो फिनिश हो जाएगी. नेक्स्ट इसी का पार्ट है बेटा, द रीज़न गिवन बाय नेहरू वर नॉट ओनली इमोशनल एंड मॉरल बट आल्सो अ स्ट्रेटजिक इन अ नेचर बिकॉज ही वाज अवेयर द फैक्ट that Muslim population were a large in number that they not relocated in the importance of unity of country
give secular nature and the Muslims were given equal right. If this was not done, it would be difficult to maintain peace. Due to Nehru policy, today India secular in nature and respect all religion, which was secured the diversity as well as unity. ठीक है, क्योंकि मुस्लिम भी थे और सब माइनॉरिटीज, अगर क्योंकि बेटा हमारे यहाँ डाइवर्सिटीज और डिफरेंट टाइप की कम्युनिटीज हैं, जिस वजह से हम लोग ना ये नहीं कर सकते कि हम लोग एक ही उसको करें, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंस के बाद क्या करना था, हमें जो है अपने कंट्री का जो है वो विकास करना था, ना कि हमें इन प्रॉब्लम्स में अपने को खोना था। एक ये बेटा क्वेश्चन है आपका, द ऑन विच टू इशू वर द कॉन्सिक्वेंस ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस, इस्टेब्लिश ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया टू इंश्योर द गवर्नमेंट विल वर्क इन अ वेलफेयर ऑफ पीपल, हु हैज़ बीन गिवेन स्पेशल प्रोटेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, सोशली बैकवर्ड आर्टिकल इतना और रिलीजन एंड द कल्चर माइनॉरिटी, वॉट वॉज द आउटकम ऑफ टू नेशन थेरी, द रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया टू टू नेशन विद इंडिया एंड पाकिस्तान, वाई डिड गांधी जी डू द एस्टेब्लिश पीस, द गांधी जी सेट ऑन फास्ट, राइट टू फीचर्स ऑफ द्रविड मूवमेंट, दिस मूवमेंट नेवर एडॉप्ट टू पास द आर्म कन्फ्लिक्ट, द लीडर दिस मूवमेंट यूज पब्लिक डिबेट्स एंड इलेक्ट्रल प्लेटफॉर्म एट मीन्स आफ प्रमोशन ऑफ देयर डिमांड्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट नेक्स्ट है बेटा, इसमें आपका मेन क्वेश्चन है कि bring out two major difference between the challenge of nation building eastern and western region of country at the time of independence, there were two major difference between the challenge of nation building for the eastern and western region of country at the time of independence, firstly there were two areas concentration, one of the west and other of the east, there was no way these two part could be joined, so it was decided to a new country Pakistan will be comprised two territories west and east Pakistan separated by the long expanse of Indian territory, secondly not all Muslim majority area wanted to be Pakistan, there were many area Punjab and Bengal and Muslims were very less in number, apart from this western part is dominated by Sikh and Hindu while eastern were dominated by Bengalis, these had different culture, it was difficult to divide them and there were the greatest tragedy of Pakistan. ठीक है, एक तो ये हुआ, how did the Goa Pondicherry merge in India, India after the independent of India, even after the independent of India, Goa and Pondicherry were under the jurisdiction, Goa was controlled by the Portuguese and the Pondicherry was under the control of France. In 1946, France India Nation Congress was formed in Pondicherry with the aim having Pondicherry in integration into India. After independence, France government took step to superb its voice, but 1954 India and France signed a pact under which all the France government territories were
इंटरग्रेट इन इंडियन यूनिटी यूनियन। ठीक है, तो ये कब बना जाके इंडिया, गोवा कब मर्ज हुआ इंडिया में, 1954 में। द लिबरेट गोवा फ्रॉम पुर्तगाल डोमिनेंट कास्को दी ब्रेजाना खाना फॉर्म्ड गोवा कांग्रेस कम्युनिटी इन 1928। ही सपोर्ट्स दिस मूवमेंट एंड द पुर्तगीज गवर्नमेंट सेंड थाउजेंड ऑफ पेट्रियोट इन प्रिजन। फाइनली इन 18 दिसंबर 1963 इंडिया स्टार्टेड ऑपरेशन विजय एंड कॉन्कर गोवा ऑन द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो इंडिया में बेटा जो बहुत सारी यूरोपियन आपने 8th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि सिर्फ ब्रिटिशर्स ही नहीं थे, ये आपके पुर्तगीज, डच, जर्मनी, फ्रांस, ये सब जो जितनी भी बिग यूरोपियन पावर थी, ये अलग अलग तरीके से जो करती थी ना बेटा, डोमिनेट करती थी। ठीक है, सो इनकी फिर हम ये टाइम टाइम पर ये सारी स्टेट जो है, गोवा, पुंडाचेरी, ये ना ये ब्रिटिशर्स के पास नहीं थी, एक पे फ्रांस था और गोवा जो है वो पुर्तगीज के अंडर में था, तो ये बाद में हम लोगों ने इनको अपने कंट्रोल में लिया है। ठीक है, ऐसे आपने पढ़ा होगा कि ये वाली जो स्टेट थी हैदराबाद, इसको बीच में मर्ज करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी सरदार पटेल को। द निज़ाम ऑफ हैदराबाद वांटेड टू इंडिपेंडेंट स्टेटस ऑफ हैदराबाद। मैंने आपको बताया था ना कि जब ब्रिटिशर्स थे वो ये कह गए थे कि आप जो इंडिया में रहना चाहे इंडिया में रह लो, जो पाकिस्तान में रहना चाहता है, मर्ज होना चाहता है, वो पाकिस्तान में रह लो, और जो अलग होना चाहता है वो इंडिपेंडेंट भी रह सकती है, प्रिंसली स्टेट्स है ना। तो जो ये हैदराबादी स्टेट थी वो अपने को अलग मानती थी। ही एंटर्ड इनटू द स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया इन नवंबर 1947 फॉर अ ईयर। शुरू में उसने एक एग्रीमेंट किया इंडिया के साथ कि वो सिर्फ एक साल का एग्रीमेंट था। वाइल द नेगोशिएशन विद द इंडियन गवर्नमेंट वर गोइंग ऑन, है पर इंडिया के संग उसके सौदेबाजी चलती रही। ठीक है, ऑन द प्रेजिडेंसी ऑफ द तेलंगाना रीजन वुमेन कम्युनिस्ट एंड द हैदराबाद कांग्रेस स्टार्ट अ मूवमेंट अगेंस्ट द निज़ाम। फिर वहाँ पर जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन थे, पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे कि कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस जो थी, उन्होंने स्टार्ट कर दिया क्या वहाँ के निज़ाम के अगेंस्ट, क्या मूवमेंट स्टार्ट कर दिया कि भाई इंडिया में आप मर्ज हो। द निज़ाम रिस्पॉन्ड बाई अनलेसिंगली पैरामिलिट्री फोर्स नोन एज रजाकरा ऑन द पीपल। द एट्रोसिटीज एंड द कम्युनल नेचर ऑफ द रजाकरास न्यू द नो बॉम। दे murdered, men raped and looted tragedy and the particularly the non-Muslims। तो वहाँ पर भी उन्होंने पाकिस्तान की तरह ही लड़ाई झगड़े, non-Muslim ladies के संग रेप स्टार्ट कर दिए। The central government has to order to army to tackle the situation। तब वहाँ पर क्या हुआ, जो हमारी central government तब तक establish हो गई थी, तो उन्होंने उसको आर्मी को ऑर्डर दिया कि जाकर इस सिचुएशन को हैंडल करो। इन सितंबर 1948 इंडियन आर्मी मूव इन कंट्रोल द निजाम फोर्स। आफ्टर अ फ्यू डेज इंटरमिटेंट फाइटिंग द निजाम सरेंडर। दिस लेड द हैदराबाद एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फिर भैया इंडिया की फ़ौज ने उनको हरा दिया और इस तरह से इंडिया जो है, इंडिया में हैदराबाद जो है मर्ज हो गया। तो ये सारे बेटा आपके जो हैं पॉइंट्स हैं। अब मैंने आपको कहा था कि आप लोगों को क्या करना है, आपका मैं टेस्ट लूँगी। सो स्टूडेंट, आप जो है फर्स्ट टू चैप्टर के मैंने आपसे टेस्ट लेने के लिए कहा था, तो आप लोग उसमें से क्वेश्चन लिखिए, फर्स्ट चैप्टर में से लिखिए कि
क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन, हाउ डिड नॉन अलाइन मूवमेंट केम इनटू एक्सटेंट, व्हाई आर द न्यूली इंडिपेंडेंट लिंग देमसेल्फ इन अ NAM. फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन. तो मैं आपको ये क्वेश्चंस लिखकर आपके ग्रुप पे डालूंगी जो आप लोग पढ़ेंगे, और मुझको है उनके आंसर लिख के 4 o'clock तक सेंड कर देंगे. ठीक है, तो मैं ये आपको कल आपके क्लास ग्रुप पर सेंड कर दूंगी. ओके, हैव अ नाइस डे.